अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों तो कल हमने इस पोएम का द शैडो का पहला स्टन्जा पढ़ा था तो आज हम इसका दूसरा स्टन्जा पढ़ेंगे आप अपनी किताब पेज नंबर ट्वेंटी पे खोलिए देखिए स्टेंजा टू द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लैक्स टू ग्रो नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो फॉर द समाइम्स शूट्स अपर बॉल एंड समाइम्स गेट सो लिटल दैट देर इज नन ऑफ हिम एट ऑल तो कलफ ने स्टेंजा फर्स्ट में देखा था कि ये जो शेडो है उसमें बच्चा ये कहता है कि जो शेडो है ये मेरे साथ हमेशा स्टिक रहती है जहाँ मैं चला जाता हूँ वहाँ मेरे साथ ये ये जो मतलब शेडो है ये मेरे साथ रहती है तो एक्चुअली चाइल्ड कहता है कि वो सोचता है थिंक्स कि ये जो इसको पता नहीं ये शेडो है वो कहता है कि कोई दूसरा बच्चा है जो मेरे साथ हमेशा चलता है रहता है तो दूसरा जो स्टानजा है इसमें ये कहता है कि जो ये जो लड़का है फनेस्ट थिंग ये बता ये बोलता है जो फनेस्ट थिंग है जो अजीब चीज़ है वो क्या है वो है कि जो मतलब ये जो शेडो है ये एबनॉर्मली ग्रो करती है कि ये कहता है कि मैंने इससे पहले किसी चीज़ को एबनॉर्मली बढ़ते नहीं देखा है उसके ग्रोथ एबनॉर्मल नहीं देखा है अचानक बढ़ती है अचानक कम हो जाती है वो कहता है कि जैसे कि अक्सर बच्चे बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो रीज़नेबल तरीके से होता है रीज़नेबल रेट से होता है रीज़नेबल पेस से होती है वो जो ग्रोथ होता है वो आहिस्ता होता है स्लो होता है हर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है लेकिन ये जो मेरे साथ बच्चा रहता है मेरे साथ जो ये शेडो है ये एकदम कभी बड़ी हो जाती है और एकदम कभी छोटी हो जाती है तो इसका पता नहीं चलता है चलता है कि ये कैसे कैसे बड़ी हो जाती है कैसे छोटी हो जाती है तो इसके लिए बच्चा बिल्कुल मतलब ये एक किस्म का इसमें सरप्राइज आ जाता है वो कहता है कि ये जो शेडो है ये कभी मतलब रैपिडली ग्रो करती है तो कभी मतलब आहिस्ता से ग्रो हो जाती है ये लिहाजा इसका जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल है तो वो कहता है जिस तरह मैं ग्रोथ करता हूँ मेरा ग्रोथ स्लो होता है लेकिन ये जो शेडो है इसका ग्रोथ मुझसे मुझसे बड़ा तेज़ होता है रैपिड होता है बड़ा तेज़ हो जाता है और वो कभी कभी एक्साइटेड हो जाता है कभी कभी उसमें वो मतलब वो हैरानगी आ जाती है कि ये जो शेडो है ये अचानक इतनी मतलब अचानक बड़ी हो जाती है फॉर एग्जांपल जब ये सुबह अगर ये सु, बच्चा सुबह बाहर निकलता है सुबह सवेरे बाहर निकलता है सूरज चढ़ने के बाद तो आपको पता है शाम और सुबह को जो साया होता है शेडो होता है हर चीज़ का बड़ा हो जाता है तो ये भी इसी को ऑब्जर्व करता है कि कभी कभी ये तो बहुत इसका जो ग्रोथ है बड़ा तेज़ हो जाता है कभी ये बहुत बड़ी हो जाती है साया आपको पता है साया हर चीज़ का शाम और सुबह को बड़ा होता है तो इसीलिए जो बच्चा होता है ये कहता है कि मेरी नॉलेज में नहीं है ये इल्म में नहीं है ये जो एक्चुअली ये चीज़ है जो मेरे साथ स्टिक रहता है ये समझता है कि ये कोई दूसरा बच्चा है जो मेरे साथ हमेशा स्टिक रहता है मेरे साथ ये अटका रहता है तो ये इसका जो ग्रोथ है कभी कभी मतलब कभी ये बहुत लंबा साइज में बड़ा बिगर हो जाता है बड़ा हो जाता है तो ये कहता है कि मैं इस चीज़ पे भी हैरान हो जाता हूँ सरप्राइज हो जाता हूँ कि किसी दिन ये बड़ा होता है मेरा साया किसी दिन ये बड़ा होता है और किसी दिन ये छोटा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही दिन में ये बड़ा हो जाता है एक ही दिन में ये छोटा हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सुबह को बड़ा हो जाता है शाम को बड़ा हो जाता है और जब दोपहर होता है आ, मतलब नून में आफ्टरनून में या मतलब नून में बारह बजे तो बारह बजे आपको पता है कि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो उस टाइम हमारा साया बिल्कुल छोटा हो जाता है तो जब सूरज मतलब अग... दूर चला जाता है डलने लगता है शाम को सूरज डूबने लगता है डूबने से पहले आप देखो हर चीज़ का जो साया होता है वो बड़ा हो जाता है तो इसके जो साइज़ से कभी दिन में बड़ा हो जाना और कभी दोनों में अचानक छोटा हो जाना प्रोपटली तो बच्चा कहता है कि ये चीज़ें मुझे मतलब कभी परेशान भी करते हैं मैं अभी हैरान भी होता हूँ और जो ये हैपनिंग्स होती है जो ये मतलब आ, क्या होता है मेरी आ, मैंने कभी नहीं देखा है किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ किसी चीज़ के साथ या कहीं और मैंने ये चीज नहीं देखी है जो भी कोई आ, मतलब चीज़ है लिविंग या नॉन लिविंग है उसको अचानक बड़ा नहीं देखा है इतने मतलब अचानक बड़ा होना अचानक छोटा हो जाना एक ही दिन में बड़ा हो जाना एक ही दिन में उसका ग्रोथ बड़ी मतलब कम होना ये मेरे मतलब मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है नहीं देखा है ये चीज़ें मैंने कभी नहीं पाई है अपनी जिंदगी में तो एक्चुअली बच्चा ये समझता है ये जो शेडो है ये कोई दूसरा बच्चा है जो मुझसे खेलता है मेरे से मेरे से पहले मेरे बिस्तर में जंप करता है मुझसे पहले जब उठता हूँ मतलब मैं आ, बिस्तर से उठता हूँ तो मुझसे पहले ही उठ जाता है तो उसके लिए जो चीज़ है एक दूसरे बच्चों को ये कंसडर करता है उम्मीद है आपको जो ये दूसरा जो स्टैंड है ये समझ आया होगा तो आप घर पर रहिएगा एस ओ पी फॉलो कीजिएगा स्टे हुमैन स्टे सेफ़ दीजिए कल आज कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे तब लिए दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज